जो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे होते हैं उनको ओवुलेशन के बाद अपनी डाइट को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके काफ़ी क्यूरोसिटी होती है और वो जानना चाहते हैं कि क्या मुझे प्रेगनेंसी है। तो हाँ, कुछ ऐसे साइंटिफिक सिम्टम्स आपको मैं आज बताऊंगी जिससे कि आप अपने ओवुलेशन के 10 दिन बाद अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube सहेली चैनल में। आज हम जानने वाले हैं कि ओवुलेशन के 10 डेज के बाद में बॉडी में कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जो महिला में प्रेगनेंसी को बताते हैं। हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए सारे लक्षण 100% महिलाओं पर लागू नहीं होते हैं। अगर आपको पहले से हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOD है, PMS की प्रॉब्लम है, तो आप अंतर समझें, अपने शरीर में होने वाले बदलावों को बारीकी से समझें। ओवुलेशन के 10 डेज बाद में इम्प्लांटेशन का समय चल रहा होता है और वो बहुत ही अर्ली फेज होता है प्रेगनेंसी का। एट दैट टाइम अगर आप टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी को जानने के लिए, तो वो टेस्ट ऑथेंटिक नहीं हो सकता, क्योंकि HCG का स्तर जो कि आपकी किट में चेक किया जाता है या ब्लड में चेक किया जाता है, वो पर्याप्त नहीं होता है और टेस्ट पॉजिटिव आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है प्रेग्नेंट हो तो भी टेस्ट पॉजिटिव आने की संभावना कम होती है। ऐसे में बॉडी में होने वाले कुछ चेंजेस आपको अपनी बॉडी में अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसको बताएंगे। सबसे पहला चेंज है क्रैम्पिंग, माइल्ड क्रैम्पिंग। हो सकता है 2 घंटे की 4 घंटे की, कुछ आवर्स की, कुछ टाइम के लिए वो क्रैम्पिंग हो, बहुत ही माइल्ड होती है और पीरियड से थोड़ी डिफरेंट होती है। पीरियड की क्रैम्पिंग काफ़ी इंटेंस होती है, ऐसी नहीं, हल्की क्रैम्पिंग आपको महसूस हो सकती है, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगी और वो एंड हो जाएगी। जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है और ऐसे में प्रोजेस्टेरोन का सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर जाता है और गैस बनना, ब्लोटिंग होना बढ़ जाता है। तो अगर आपको पहली बार ऐसा हो रहा है, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो गैस और ब्लोटिंग होना अर्ली प्रेगनेंसी में स्वाभाविक है। हर महिला में नहीं, लेकिन 50-60% महिलाओं में मान सकते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इस समय अगर आपको हल्की स्पॉटिंग महसूस होती है जो कभी ऐसे नहीं आपने ऑब्जर्व की थी अपने पीरियड साइकिल में, लेकिन ओवुलेशन के 10 दिन बाद में आपको हल्की फुल्की पिंक, हल्की ब्राउन सी स्पॉटिंग महसूस होती है और वो बिना दर्द के होता है, पिंक भी हो सकता है उसका रंग, तो इसे आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चेदानी की आंतरिक परत में जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट धंसने जैसी क्रिया होती है, उसमें वो चिपक जाता है परत में जाकर अंदर, तो थोड़ा सा ब्लड रिलीज होता है और कई महिलाओं में हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा ना हो कि आपको दिखाई पड़े, कई बार वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और थोड़े टाइम में म्यूकस के साथ रिलीज होता है और आपको स्पॉटिंग महसूस होती है। जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन का टाइम चल रहा होता है, इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, उसके बाद में आपको नोजिया, वॉमिटिंग, जिसको कि मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, ऐसा महसूस हो सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है बॉडी के अंदर, ताकि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन यूट्रस तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में बार बार यूरिन होना, क्योंकि ये बॉडी की नेचुरल फिनोमिना है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो किडनी ज़्यादा ब्लड फिल्टर करेंगी तो यूरिन भी ज़्यादा बनेगा, तो बार बार यूरिन आ सकता है। ऐसे कंडीशन में आपको क्रेविंग नहीं होगी, लेकिन फूड एवर्जन या सेंसिटिविटी, आपको फूड को लेकर काफ़ी आप सेंसिटिव हो जाएंगे, कई चीज़ों की स्मेल से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और कई महिलाओं में ये बहुत जल्दी ही महसूस होने लग जाती है। तो आशा करती हूँ कि ओवुलेशन के बाद बॉडी में होने वाले इन चेंजेस को आप समझें। अगर आपको पहले से कोई समस्या है हार्मोनल इम्बैलेंस की, PCOD की, PMS की या फिर इंसिस्ट की, तो आप सतर्क रहें, हमारे दूसरे वीडियोज़ देखें जिनमें हमने इनका ट्रीटमेंट घरेलू डाइट एंड लाइफस्टाइल के तरीकों से बताया है, उसका इलाज करें और उसके बाद आप सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।